अपने पटना में अगर आप चाणक्य टावर से यानी कि इस लोकेशन से आपको दीघा तरफ जाना है तो जो शानदार सा अटल पथ जिसका ये निर्माण हुआ है, कसम से यार यहाँ की खूबसूरती मेंटेनेंस सब देख के आपका दिल ना जस्ट वाओ कहने वाला है, जस्ट वाओ, सिंपली वाओ, अमेजिंग। और आप ये सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह देख कर कह सकते हो कि सीरियसली यार अपने बिहार में, अपने पटना में बहुत तरक्की हुई है। भले ही हम लाख कहते कुछ हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं रहा, पर हुई है यार, तरक्की हुई है। चीज़ों को आप देखो ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये लाइटिंग वाइटिंग एंड ऑल, और ये शानदार सा सफर जो आप मेरे साथ या। ये हम जा रहे हैं, हम तो खैर उतर जाएंगे राजीव नगर तरफ, लेकिन तब तक मैं बस इस पुल का नजारा आपको दिखा रही हूँ। रात में कितना खूबसूरत लगता है सब कुछ, वेल मेंटेन्ड, सारे इंफॉर्मेशन कहाँ पे आपको उतरना है, जैसे ये बता रहा है IGIMS इधर है, सेक्रेटेरिएट इधर है, और ये फिर एक हम लोग फ्लाईओवर पे आगे बढ़ गए, और ये देखिए ब्लू लाइट, वाइट लाइट, साफ सुथरी सड़कें, सिंपली वाओ। कभी कभी ऐसे रास्ते में चलने में बड़ा मजा आता है, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी दे दूं, बाइक पे रहना तो ऐसे शूट मत करना, क्योंकि आजकल छीन झपट की भी थोड़ी बातें ज्यादा हो रही हैं। मैं कार के अंदर हूँ, चारों तरफ से शीशा पैक है, तो मैं शूट कर रही हूँ, वरना आजकल मैं जिसको देख रही हूँ, भाई मेरा फोन छीन लिया, भाई मेरा फोन छीन लिया, ये लो जी कहोगे अभी तरक्की की बात करी और अभी छीनने की बात करी है। तो भाई सारी चीज़ों से रूबरू होना ये तो ज़रूरी है ना, और सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराना ये भी मेरा फ़र्ज़ है। तो चेन स्नैचिंग और फ़ोन वोन भी ज़्यादा झपट्टा मारे जा रहे हैं तो बिल्कुल पॉकेट में रखा कीजिए। और अभी फ़िलहाल हम खूबसूरती की बात कर रहे हैं, तो वापस अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। ये आप अटल पथ पे हो एंड बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे आगे थोड़ी दूर में आप देख रहे हो एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उस पर कुछ कुछ चीजें ब्लिंक कर रही है, क्या लिखी हुई है अभी मैं आपको दिखा दूंगी। वाओ क्या बात है, स्टॉप एक्सीडेंट बिफोर दे स्टॉप यू, वेलकम टू आर ब्लॉक दीघा रोड प्रोजेक्ट। क्या है? मतलब सच में स्मार्ट सिटी की ओर हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं, अग्रसर हो गए हैं, थोड़ी ज्यादा बड़ी हिंदी मैंने यूज कर ली, आगे बढ़ चुके हैं। इसको बस बरकरार रखिएगा, साफ सफाई मेंटेन करके, अब यहीं पे आप कुछ भी खाओगे फेंक दोगे तो ये तो हमारी गलती है ना, आपको इतना साफ सुथरा चीज मिल गया, अब इसको मेंटेन रखना, इसको साफ रखना ये हमारा फर्ज है। और इस तरीके से कभी आपको टाइम मिले तो जरूर आइएगा इधर, बस घूम के चले जाइएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा सुकून मिलेगा। कभी कभी कहीं पहुंचना नहीं होता, बस रास्ते को भी एंजॉय करना होता है, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। यो यो यो, सुई सुई सुई, हमारी गाड़ी उतर रही है।